Good morning, students. Today's topic is to filtering the data from the MS Excel from chapter 2. How we filtering the data on Excel sheet? Filtering data is a quick and easy way to find and work with the subset of data in a range of cell or in a table column. Meaning फिल्टरिंग डाटा एक्सेल शीट के अंदर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप तरह तरह की इन्फॉर्मेशन को विद इन आपके अकॉर्डिंग जैसा आप इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल्टर कर सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसको इजिली देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वांट। आपके एक्सेल शीट के अंदर एमएस एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फिल्टरिंग करने के दो मेथड्स हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज ऑटो फिल्टर एंड सेकेंड वन इज एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर दो तरह के फिल्टरिंग ऑफ डाटा होते हैं या आप यूं कह सकते हैं कि दो तरह से आप अपने इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटो फिल्टर कैसे किया जाता है एमएस एक्सेल में ये आपको बताने जा रहे हैं। आपने एमएस एक्सेल में अगर आपको फिल्टर करना चाहते हैं ऑटो फिल्टर तो आपने नीचे जो आपको स्टेप्स बताने जा रहे हैं उनको आपने फॉलो करना होगा, उनको आपने स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन है सेलेक्ट एनी रेंज ऑफ सेल्स और दी कॉलम। आपने अपने एक्सेल शीट के अंदर अपने एक्सेल शीट के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखा है उसको आपने एक साथ सेलेक्ट करना है, बहुत सारे सेल्स को एक साथ या फिर पूरा पूरा कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्लिक ऑन डाटा टैब। आपने डाटा टैब पे क्लिक करना है जो कि मेन्यू बार में मिलता है। एंड थर्ड वन इज क्लिक ऑन दी ऑटो फिल्टर फ्रॉम शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। मीनिंग जैसे ही आप ऑटो फिल्टर करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपने रेंज ऑफ सेल्स को या कॉलम को सेलेक्ट करना होता है, फिर आपने डाटा टैब पे क्लिक करना होता है मेन्यू बार के अंदर, और फिर आपने उस मेन्यू बार पे जैसे क्लिक करते हैं डाटा टैब पे तो आपको एक रिबन आता है, उस रिबन पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको ऑटो फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह का होगा। फनल टाइप कुछ पिक्चर्स उसका बनता आता है, ऐसा कुछ इमेज आता है। जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करते हैं एक बॉक्स आता है आपके सामने, बॉक्स आता है इसमें आपको लिखा होगा नंबर फिल्टर। देन आप देखेंगे यहां पे सर्च करके मिलेगा आपको, सर्च यहां पे होगा सेलेक्ट ऑल। यहाँ पे आपके डिफरेंट डाटाज होंगे। स्टेप वन को ऑफिसर बना लेते पिक्चर्स, यहाँ पे सपोज मान लीजिए आपने आपका एक्सेल शीट है, डिफरेंट कॉलम्स है, या आपका रो हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ABCDEF, इस तरह से आपका कॉलम है और ये रो है, आपने इसके अंदर डाटा को टाइप किया हुआ है। टाइटल बार, मेनू बार और ये रिबन, यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनल टाइप।
यहाँ आपका नेम आपका मान लीजिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर लिखे हुए हैं 250, 100, 100, 200, 50, इस तरह से डाटा आपने लिखा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने अपने एरिया को सेलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए कि आपको इस पूरे में आपको फिल्टर यूज करना है, सबसे पहले आप यहाँ पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज वन फर्स्ट स्टेप टू सेलेक्ट ऑल डाटा। देन सेकेंड वन इज टू क्लिक ऑन डाटा टैब फ्रॉम द मेनू बार। देन थर्ड वन इज टू क्लिक ऑन शॉर्टन फिल्टर ग्रुप फिल्टर ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको एक ऐसा लिस्ट आता है, इसके अंदर आपको सर्च जो भी आपको नंबर्स दिए होंगे वो यहाँ पे 250, 100, 100, फिर देन 200 और 50 लिखा हुआ, सब में टिक होगा। इस तरह से आपके अपने बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से चीजें आपको दी होंगी, जिसके अंदर आप अगर आप चाहते हैं कि इनमें से जितने भी नंबर हमने टाइप किए यहाँ पे ये सभी ना आए, हम चाहते हैं सिर्फ 100 ही आए, तो हम क्या करेंगे कि सेम इसी इमेज को फिर से वही सिर्फ आपके सामने एज रिजल्ट ग्रुप में दिखाई देगा। इस तरह से इस तरह की चीज आपको एक्सेल शीट में मिलेंगी। अगर आपने 100 सेट किया तो आपको एग्जाम में हेडिंग सी और 182 कहीं भी आपको लिख करके आ गया यहाँ पे 100 एंड 100। इस तरह से आप अपने रिजल्ट को देख सकेंगे। तो फिर से क्या करते हैं, सबसे पहले आपने फिल्टरिंग डाटा के अंदर दो ऑप्शंस हैं, ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर, जिसमें आपको पहले बता रहा हूँ ऑटो फिल्टर। सबसे पहले आप अपने रेंज ऑफ सेल्स को सेट करेंगे, सेट करने के बाद आपने डाटा टाइप पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिल्टर का ऑप्शन मिलता है शॉर्टन फिल्टर ग्रुप से, और जैसे ही वहां क्लिक करते ही यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, आपके सिलेक्टेड पूरे सेक्शन के सबसे टॉप वाले एरिया जो होगा सेल, जो उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा सिंबल बन के आएगा एरो का। जैसे ही हम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करते ही ऐसा लिस्ट आएगा जिसमें आपका पूरा सिलेक्शन होगा, जो भी नंबर आपने लिखा होगा। अगर आपको चाहते हैं कि सिलेक्टेड कुछ ही ऐसे नंबर या डाटा आपके शीट पे आए जो आप देखना चाहते हैं, तो आप सभी टिक को जो आपने टिक चेक कर रखा है उसको अनचेक कर देंगे, अनचेक मतलब हटा देंगे, और फिर जो आपको एज रिजल्ट ग्रुप में देखना है उसे उसी पे टिक लगाएंगे। टिक लगाते ही आप देखेंगे आपका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम अपने एक्सेल शीट में किस तरह से ऑटो फिल्टर का यूज कर सकते हैं। यदि इस टॉपिक में कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो ये आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।